हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी मेंटर पर स्वागत है। आज का जो सेशन है ये आगामी 67 फिल्म्स को देखते हुए रखा गया है, जिसमें कि हम बुक्स जो इसके लिए ज़रूरत है फिल्म्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शंस पे इसको लगभग 8 सेक्शंस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सभी सेक्शंस के लिए कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए उसके लिए मैंने आपको एक सजेस्ट किया है अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो तैयारी के दौरान मेरे अनुभव थे या पिछले वर्षों में जो मैंने सीखा है या जाना है उन सभी के आधार पर, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा एक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो है वो हिस्ट्री का सेक्शन है। हिस्ट्री का सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप सभी इससे परिचित हैं और इसको लेके काफ़ी सारी किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखिए, हिस्ट्री जो है एक सबसे ब्रॉड जो है सब्जेक्ट्स में से एक है। इसमें जो पूरी हिस्ट्री है, अगर हम एंशियंट से लेके मॉडर्न तक बात करें, तो उसको पढ़ने में काफ़ी लंबा और अच्छा खासा समय लगता है। तो इसको एक ध्यान से हमें पढ़ना है और काफ़ी ऐसे तरीके से करना है कि हमारा जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें एग्ज़ाम में सफलता मिले, या हमारी तैयारी का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये होना चाहिए कि हमें सफलता मिले। ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा किताबें खरीद लेना, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेना आवश्यक नहीं है, परीक्षा में सफल होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, तो ऐसी किताबों का चयन करना होता है जिसके बेस पे हम आसानी से अच्छे से इतना कर ले कि हमारा जो है सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाए, या हमारा सिलेक्शन जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। अगर आप कुछ अनुभव रखते हैं तैयारी का, तो आप सीधे जो है स्पेक्ट्रम जैसी किताबें जो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अच्छी किताबों में आती हैं, या बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब आती है, इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि आगामी बीपीएससी को लेके हम अगर बात करें, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज इस सब्जेक्ट को लेके होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी की किताब आपने पढ़ी ही होगी, या नहीं पढ़ी है तो इसको एक बार देख लेना है, स्पेशली एनसीएंट का। एनसीएंट में स्पेशली आपको क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में, चूँकि 30 के आसपास लगभग हिस्ट्री से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, 25 से लेके 35 के बीच में जनरली माना जाता है कि इतना क्वेश्चन होता है, सर्वाधिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे वो फोकस करते हैं। एनसीएंट का भी इम्पोर्टेंस लगभग ठीक ठाक होता है, बौद्ध जैन ये सब आप जानते ही हैं कि इससे, या उत्तर वैदिकाल, इन सब चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन होता है, या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, तो इसको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। इसके साथ साथ जो है एक तो एक लूसेंट की जीके की किताब आती है, वो तो आपको ले ही लेना है, वो सब जगह थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन के लिए एक अच्छी किताब है, लेकिन ये रिवीजन के लिए, शुरू में इसको नहीं पढ़िएगा। पहले एनसीईआरटी जैसे या बिपिन चंद्रा जैसी किताबें जो हैं, जो एक सब्जेक्ट का आपका बैकग्राउंड डेवलप करता है, उसको पढ़ने के बाद ही लूसेंट जैसी किताबें पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मेंस भी देना। अगर हाँ आप रेलवे वगैरह के कैंडिडेट हैं तो डेफिनेटली आप लूसेंट को ही ऊपर रख सकते हैं, उसी को केवल पढ़िए, या अन्य जो उससे जीएस वगैरह से रिलेटेड किताबें हैं उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले एनसीईआरटी की किताबों से थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है उसको डेवलप करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसको करने के बाद, जैसे एनसीईआरटी का ये कर लिए, एनसीएंट कर लिए, और मेडाइवल का कुछ सेक्शंस कर लिया जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत वगैरह में जो पोस्ट से रिलेटेड है, या किसको किस पोस्ट से जाना जाता था, इस सब टाइप की जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से कर लेना है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। और इनकी जो किताबें हैं, जैसे 2005-06 के आसपास जो एनसीईआरटी की किताबें आती थी, उसका जो है फोटोकॉपी या ओरिजिनल भी अब तो उसको दोबारा से उसको पब्लिश करके लाया गया है, या ऑनलाइन भी अमेज़न पे अवेलेबल है, तो इसको लेके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए। स्पेक्ट्रम में स्पेशली फोकस आप कर सकते हैं 1880 से लेके 1947 के बीच का जो काल है, इसको सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। जब कांग्रेस की स्थापना होगी और उसके बाद जो जो चीज़ें आंदोलन होंगे, उन सबसे सबसे ज़्यादा मॉडर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग स्पेक्ट्रम को फॉलो करते हैं, स्पेक्ट्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लिखी गई है। इसमें पॉइंट वाइज बहुत सारी चीज़ें भी दी गई है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है।
रिवीजन के लिए आप लूसेंट को भी एक बार चाहे तो देख सकते हैं अगर समय मिलता है तो। इसमें से एंशियंट और मिडाइवल के बहुत से पार्ट आपको फैक्चुअली जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सेक्शन है ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी का, इसमें देखिए इसमें एनसीईआरटी की किताब 11th 12th 6 से लेकर 11th 12th तक सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप महेश बर्णवाल को पढ़िए, ठीक है। महेश बर्णवाल ऐसे भी अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके किताब आती है, ज्योग्राफी एज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर पढ़ना है तो 6 की किताब उसमें पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छी है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की। 7th में आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, 8th में रिसोर्स से रिलेटेड है, और 9th 10th वाली जो किताब है वो इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। तो उन सब में अगर जो सेक्शन आपका वीक है उसको देख सकते हैं सेलेक्टेड चैप्टर्स को, ठीक है। अदरवाइज आप महेश बर्णवाल को फॉलो करिए, इसको बेटर ढंग से करिए। एटलस वगैरह में आप जैसे ऑक्सफोर्ड और ब्लैक स्वान की आती है, दो फेमस है, ये ज़्यादा बिकती है। इसमें से आप कुछ कुछ पर्वत वगैरह की जो सूची है उसको बना लीजिए, कौन कहाँ पे है, किन किन देशों से बाउंड्री लगता है, झील कौन सा कहाँ पे है, उसकी बाउंड्री किससे लगती है, इस सब टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से कर लेना। ऐसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी एक पूरा हम उस पर सेशन करेंगे, जो सब्जेक्ट से सेलेक्टेड हैं वो उस पर बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भी कॉम्प्रिहेंसिव किताब आती है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी पॉइंट वाइज दिया है। लेकिन अगर महेश बर्णवाल पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई एक ही पढ़िएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, दो दो किताबें नहीं पढ़ना है। घटाचक्र की इकोलॉजी का क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, इकोलॉजी की किताब भी आती है परीक्षावाणी वगैरह की, तो उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, उसमें से कुछ सेलेक्टेड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेसी लियोंग आती है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ये जनरली सिविल सर्विसेज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल है तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करेंट अफेयर्स में हमारा पीडीएफ आएगा बीपीएससी मेंटर का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें हम साप्ताहिक आपको पीडीएफ देंगे जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। उसको आपको फॉलो कर सकते हैं आप, उसको बहुत अच्छे से हम उसको पॉइंट वाइज हम लोग बना रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी है, नो डाउट अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, इससे भी आपका कवर हो जाएगा कोई भी इसमें से पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा IQ स्टडी IQ GK टूडे वगैरह का इंग्लिश में जनरली GK टूडे का बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्पीडी और घटनाचक्र का एक आता है आपका एनुअल सेशन जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले का, इसको आप देख सकते हैं। इसको आप मतलब ये है कि एग्ज़ाम से पहले अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा है आपके लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा कि वीडियो कुछ कुछ रहते हैं करेंट से रिलेटेड मंथली, तो उसको आप फ्री टाइम में देख सकते हैं, जैसे हेडफोन लगा लिए कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस समय उसको यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसमें वीडियो वगैरह से आपका कुछ कुछ सेक्शन मंथली वाले में कवर हो जाएगा। आगे आते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट माना जाता है, ताकि देखिए चूंकि पॉलिटी जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करिए। इसके अलावा परीक्षावाणी या बहुत सारे घटनाचक्र या बहुत सारे पब्लिकेशंस की किताब इससे राजव्यवस्था से रिलेटेड आती है, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा व्यक्तिगत रूप से, आप जो है लक्ष्मीकांत को ज़्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत काम करेगा। इसके अलावा आप लूसेंट जीके से कुछ कुछ पॉइंट वाइज कर सकते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइंस के सेक्शन में लूसेंट साइंस की किताब एक आती है स्पेशल, इसको करिएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा है इसमें स्पेशली जो है इसमें लूसेंट साइंस वाले में ये है कि बायोलॉजी वगैरह का सेक्शन आप कर सकते हैं, बाकी लूसेंट जीके से आप बेसिक कर लेंगे तो उससे काम हो जाता है। अगर आप लूसेंट साइंस अगर टाइम है तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं है तो लूसेंट की जीके की जो किताब है उसमें से साइंस सेक्शन को पढ़िएगा, और उसके साथ साथ आप SPT का क्वेश्चन बैंक रेलवे का जो आता है उसमें से दो दो तीन तीन पेज का डेली फैक्ट रटिएगा, दो दो तीन तीन सेट, तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। घटनाचक्र का आप क्या कर सकते हैं कि घटनाचक्र का जैसे आता है क्वेश्चन बैंक, उसको भी आप पढ़ के उसको बना के और उसको जो समरी नीचे दिया रहता है उसको पॉइंट वाइज आप बना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, पॉइंट वाइज जो दिया हुआ है वो भी ठीक है, आप अच्छे से उसको अगर पॉइंट वाइज बना लेते हैं तो वो भी आपको बहुत काम करेगा। चलिए
आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। प्रीवियस पेपर्स अच्छे से कर लेना है, काफ़ी है। लूसेंट जीके बुक से इकोनॉमिक्स का सेक्शन कर लेना है, काफ़ी है। पॉलिटी एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी की 11th की किताब है, भारत का आर्थिक विकास, इसको कर सकते हैं, अच्छा है। करेंट इकोनॉमिक्स का सेक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे कि जो भारत सरकार का बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक है। घटनाचक्र का आर्थिकी आता है, या गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, आर्थिकी आता है घटनाचक्र का, उसको ले सकते हैं मार्केट से। इसके अलावा पीडी का स्पेशल सेक्शन आता है, एक पतली वाली किताब आती है 130-140 के आसपास की, उसको आप लोग ले सकते हैं पीडी की, ठीक है। उसको लेके आप लोग करेंट का जो है, तो अगर ये ले रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ये लेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई एक लीजिएगा, ठीक है। उसमें से आप जैसे उद्योग है, कृषि है, कि कौन से खनिज का कितना उत्पादन होता है, उसको खुद से भी 4-3 पेज का एक कंसाइज नोट्स बना लीजिएगा, वो बहुत काम आता है। बिहार स्पेशल में क्राउन, केबीसी और लूसेंट में से कोई एक ले लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन ज़्यादा अपडेटेड है, ठीक है। इम्तियाज़ अहमद का क्वेश्चन बैंक बिहार स्पेशल लेके बना सकते हैं, अगर नहीं भी बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस पेपर कर लीजिएगा, काफ़ी है। बिहार बजट 21-22 का देख लीजिएगा, किसमें ज़्यादा कितना आवंटित किया गया, पर प्रमुख सेक्शंस को देख लेना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में आर एस अग्रवाल का आता है, उसको बेसिक उसमें से जैसे कि प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, टाइम है एंड वर्क है, बेसिक प्रोबेबिलिटी है, ये सब टाइप का रेशियो है, इस सब टाइप का जो टॉपिक है उसको कर लेना है, प्रीवियस पेपर्स को एक बार एनालाइज कर लेना है और उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अदर रिकमेंडेशन में क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक स्पेशली ज्योग्राफी आपका, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है। साइंस में स्पेशली बायो सेक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। सार संग्रह, घटना चक्र वगैरह का आता है, फैक्चुअल वन लाइनर, इसको कर सकते हैं। हमारा बीपीएससी मेंटर का भी वो आएगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसको भी आप कर सकते हैं। उसमें भी हम 20-30 क्वेश्चन डेली आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे और वो सब चीज़ें भी करते रहनी है। अदर स्टेट पीसीएस का भी पेपर बना सकते हैं, प्रत्युत्तर दर्पण वगैरह का जो सेट रहता है उसको भी बना लेना है। कभी कभी होता है किसी किसी स्टेट पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली लड़ जाते हैं, ऐसा उत्तराखंड पीसीएस का एक बार हो चुका है, पहले भी बीपीएससी में कुछ क्वेश्चंस लग रहा था जैसे सेम टू सेम आ गया है, तो उसको देख लेना है। प्रत्युत्तर दर्पण या इकोनॉमिक्स क्रॉनिकल में ये चीज़ें आती रहती है, तो उसको देखते रहना है, प्रीवियस पेपर्स अदर स्टेट्स के भी बनाते रहना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, और हम लोग जो है टेलीग्राम पे भी जुड़े रहेंगे वहाँ पे भी, और बीपीएससी मेंटर जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी हम लोग जुड़ेंगे, और आपके लिए जितना हो सकेगा हम बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।